Welcome to Roshi Hayat Kitchen. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही फिरनी। बहुत मज़े की होती है और बनने में वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और मावा जाता है, इसीलिए इसको शाही फिरनी बोलते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ वाला रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इसका सामान नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हमने दूध लिया है, मिल्क, इसको ये फुल फैट मिल्क लिया है यहाँ पर, और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है क्योंकि इसमें वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगता है बॉईल करने में। इसमें बॉईल आ चुका है और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पे कर दिया है और इसको हमें तकरीबन 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है जिससे ये थोड़ा सा और ज़्यादा थिक हो जाए। चावल लिए हैं यहाँ पर हमने, ये बासमती चावल है, इसको एक घंटे के लिए पानी में मैंने सोक कर दिया था अच्छे से वॉश करने के बाद में। शुगर लेंगे, चीनी, ये मावा लिया है मैंने, थोड़ा सा अलग से दूध लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ते हैं, पिस्ताशू, कैश्यू नट्स हैं, काजू, आलमंड्स हैं, बादाम, ये ड्राई कोकोनट लिया है मैंने, चिरौंजी ली है, किशमिश ली है, दैट्स रेजिन्स, ग्रीन कार्डमम पाउडर है, हरी इलायची का पाउडर। जब तक दूध ये पक के तैयार होता है, थोड़ा सा थिक होता है, हम चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, चावलों को ग्राइंड करने के लिए मिक्सी का एक जार लिया है हमने, इसमें चावलों को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए, चावलों को हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब जो दूध हमने अलग से लिया था इसको इसमें डाल देंगे ये देखिए, और इसका एक पतला सा पेस्ट बना लेंगे हम। चावलों को हमें दरदरा ग्राइंड करना है। देखिए, इसका पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है, इसका हमें बिल्कुल ऐसे ही पतला पेस्ट चाहिए। और इस ऐसा पेस्ट बनाने का पीछे मकसद ये है कि जब हम अगर ये बिल्कुल थिक होगा पेस्ट और इसे हम दूध में डालेंगे तो उसमें लम्स पड़ सकते हैं, इसलिए इसको हमें पतला ही ग्राइंड करना है दूध डाल के। देखिए, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए, दूध थोड़ा सा थिक हो गया है। अब इसको हम ऐसे रेगुलर हमने इसको चलाते भी रहे हैं। अब इसमें हम जो हमने चावल ग्राइंड करके रखे थे वो डाल देंगे। बस इस बात का आप ध्यान रखिए कि इसको जब आप रेगुलर चलाते रहिए, थोड़ा थोड़ा इसमें चावल को ही डालते रहिए और इसको चलाते रहिए, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। देखिए, इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। फ्लेम हमारे ने जो है हमने अभी तक बिल्कुल लो पे कर रखी है और लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है और इसे ऐसे चलाते भी रहना है जिससे चावलों में जो है लम्स नहीं पड़े बिल्कुल भी। और जब तक चावल पक के तैयार होते हैं, ये मावा जो है इसको हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और इन ड्राई फ्रूट्स को बारीक कट कर लेंगे। और ये ग्रेट नारियल है, ड्राई कोकोनट, इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे। और साथ साथ इस पर भी ध्यान रखेंगे फिरनी पर, क्योंकि ये इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए बिल्कुल भी, इसको भी हम चलाते रहेंगे। देखिए, तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर, चावल अच्छे से बिल्कुल गल चुका है और दूध में मिक्स हो गया है और ये बिल्कुल ये थिक भी होने स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, थिक होने चालू हो गई है ये बिल्कुल। अब इस स्टेज पर इसमें हम मावा डाल देंगे जो हमने ग्रेट करके रखा है। ये देखिए, मावे को हमने ग्रेट करके रख लिया है, इसको दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इस मावे को भी हम दूध के साथ अच्छे से पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। फ्लेम हमने हमारी अभी भी बिल्कुल लो पर है। देखिए, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको अच्छे से पकते हुए, इसको हमने लगातार ऐसे चलाते रहे हैं। अब इस स्टेज पर इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें, इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने कट करके रखे हैं। सबसे पहले हम इसमें ड्राई नारियल डालेंगे जो हमने ग्रेट करके रखा है, थोड़े से पिस्ते, सॉरी बादाम, पिस्ते, थोड़े से काजू, किशमिश और चिरौंजी भी डाल देंगे। इन सबको मिक्स करेंगे और फिरनी को बिल्कुल गाढ़ा होने तक पकाएंगे अब हम। वैसे तो बिल्कुल लो फ्लेम पर पकती है, लेकिन अगर आपको जल्दी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो उसकी फ्लेम को आप हाई पर भी करके इसको जल्दी बना सकते हैं, लेकिन आप इसको रेगुलर ऐसे ही चलाते रहें। बस खीर और फिरनी में यही फ़र्क होता है, खीर थोड़ी सी पतली होती है
और फिरनी एकदम थिक होती है, जो बिल्कुल जैसे हम प्यालों में या शिकोरों में किसी में भी निकालें बोल में, तो वो उसमें अच्छे से जम जाती है। बस यही फर्क होता है खीर और फिरनी में। तो इसको हम ऐसे लगातार चलाते हुए थोड़ा थिक होने तक इसको बिल्कुल पकाएंगे हम। और ये देखिए बिल्कुल थिक हो चुकी है ये पकते पकते। अभी ये जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें जो हरी इलायची का पाउडर है ये डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और कुछ बूंदें इसमें केवड़े वाटर की हम डालेंगे। देखिए सब चीज इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। और ये देखिए ये थोड़ी सी ठंडी हो गई, हमें इसको ज्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर ज्यादा ठंडी हो गई तो ये उसी में जम जाएगी जिसमें हमने बनाई है, भगोने में, पैन में, जिसमें भी आपने बनाई है उसमें ये जम जाएगी। और हमें जो है अलग से प्यालों में निकालनी है इसे बोल में। वैसे तो अमूमन ये शिकोरों में निकलती है, जो मिट्टी के शिकोरे आते हैं उसमें ये निकलती है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने इसको इसी में सर्व किया है। देखिए इसको मैंने जब भी थोड़ी सी ठंडी हो गई तो मैंने इसमें निकाल लिया है। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम जो हमने ग्रेट किया वो नारियल था वो डालेंगे। इसमें थोड़े से बादाम डालेंगे। थोड़े से काजू डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें अपनी पसंद के जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। थोड़े से पिस्ते डालेंगे इसमें। देखिए पिस्ते से इसका बहुत अच्छा लगता है इसको देखने में। थोड़ी सी चिरौंजी भी इसमें डाल देंगे हम और ये किशमिश डाल देंगे। और ये देखिए मजेदार सी फिरनी बनकर तैयार है। अभी ये गर्म है, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब हम इसको सर्व करेंगे और ये बहुत ही यम्मी बनी है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।